पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितने ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है। और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि हमें एस्टैब्लिश इस प्रकार की नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरंतर जाना है, अविरत जाना है, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है। हम लोगों को लगता है सफलता है, सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में तालमेल, परफेक्ट सिनर्जी, ये बहुत बड़ी ताकत रखती है। राज्यों में इतनी सरकारें हो, केंद्र में सरकार हो, लेकिन पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनर्जी। सरकार नीति बनाती है, नीति पर चलती है, संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति, इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है। उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं को। बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा है। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है, केरल में है, हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेट का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र हमारी रगों में है, हमारी जहन में है। भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम में भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। दूसरा हमारे सामने संकट है, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। कभी कभी तो और लोग जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष का नामो निशान नहीं होता है। हमें जब सत्ता मिलती है तो विपक्ष का अस्तित्व शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा स्पिरिट है। आप त्रिपुरा देख लीजिए। मैं देश के ये पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहूंगा और चुनौती देकर के कहना चाहता हूं, कोई मुझे बताए त्रिपुरा के अंदर 30 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, क्या वहां कोई विपक्ष था? क्या वहां विपक्ष की कोई आवाज थी? क्या वहां विपक्ष को कभी सुना गया था? क्या दिल्ली के मीडिया में विपक्ष की कभी चर्चा हुई थी? कुचल भी जा चुका था।
उसकी आवाज को तवज्जो दी जाती है और देश चलाने के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेवारी भी होती है, वो कोई उपकार नहीं है। और मैं मानता हूं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति बार बार कहते थे पार्लियामेंट का उपयोग चर्चा के लिए होना चाहिए, चर्चा में आप भरपूर विरोध कीजिए ना, लेकिन जब चर्चा के लिए मुद्दे नहीं होते हैं, तर्क नहीं होते हैं, एक्सपोज होने का डर लगता है तो हो हल्ला करके के संसद को न चलने देना ये सरल मार्ग बन जाता है। हम विपक्ष की ताकत को स्वीकार कर करके विपक्ष की ताकत को तवज्जो देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जहां जहां हमें मौका मिला है वहां पर विपक्ष की आवाज संख्या भले कम होती हो, जनता का अविश्वास के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है, वो उनकी जिम्मेवारी है जनता का विश्वास जीते, लेकिन संविधान हमें जिम्मेवारी देता है कि एक भी क्यों न हो उसकी आवाज का महत्व होगा। हमारे देश के लोकतंत्र को वोट बैंक की राजनीति ने कुचल दिया है और इसलिए जो भी निर्णय होते हैं, चर्चा होती है, सबके बीच में आकर के हिम्मत के साथ अपनी बात रखनी है तो ये वोट बैंक की राजनीति के दबाव में हमारे देश में कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। क्या इस देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अपने हक के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था।